पशुपालन घोटाले में निलंबित डीआईजी अरविंद सेन समेत 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रुसेल्स में नाटो के इमरजेंसी समिट में होंगे शामिल। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 1,16,000 शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई। द कश्मीर फाइल्स के आगे नहीं टिक पाई बच्चन पांडे, फिल्म की कमाई 70% घटी। आज दोपहर 2:30 बजे होगा पुष्कर सिंह धामी का शपथ समारोह, दूसरी बार लेंगे उत्तराखंड के सीएम की शपथ। टोल टैक्स को लेकर लागू होने वाले नए नियम, 60 किलोमीटर के दायरे में देना होगा एक बार ही टैक्स, हटेंगे बाकी टोल प्लाजा। मिजोरम में कोरोना के 287 नए केस मिले, एक मरीज की मौत। कानपुर में दलित व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने के मामले में 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, जांच शुरू। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंकने के आरोप में 3 गिरफ्तार।